यस, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10। तो स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 5, क्रिएट अ टेबल। थोड़ा कैमरा चेक कर लेते हैं, इधर से ही आ रहा है। हाँ, प्रॉपरली दिख रहा है, इसको थोड़ा आगे खींच कर देते हैं। वेरी गुड। तो हम डेटाबेस पढ़ रहे थे, डेटाबेस में हम टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं वो चैप्टर में आपको बताया जाएगा। वैसे प्रैक्टिकली मैंने आपको ये कराया है, सेम ऐसा ही मेथड रहेगा। तो यहाँ भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि टेबल में ही हम डेटा डालते हैं। तो टेबल कैसे क्रिएट करते हैं डेटाबेस में, ये देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है इसका इंट्रोडक्शन। टेबल आर द फंडामेंटल डेटा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटाबेस। टेबल क्या है? फंडामेंटल ब्लॉक्स है डेटाबेस का, यानी कि जिसमें हम डेटा, जिसके थ्रू यूजर डेटा डालता है डेटाबेस में। अनलेस यू हैव डेटाबेस टेबल विद द डेटा वैल्यूज स्टोर इन देम, जिसके थ्रू हम इसमें डेटा को स्टोर करते हैं। नो अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड, इसके अलावा कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई और तरीका नहीं है जिसके थ्रू हम डेटाबेस तैयार कर सके, क्योंकि हम डेटाबेस में टेबल के थ्रू ही डेटा एंटर करते हैं। दे आर द मैनली टू वेज टू क्रिएट ए टेबल। यहाँ पर दो तरीके हैं टेबल को क्रिएट करने के। पहला है डेटा सीट व्यू एंड डिजाइन। दो तरीके से हम टेबल तैयार कर सकते हैं। कौन कौन सा है? डेटा सीट व्यू, दूसरा है डिजाइन व्यू। दो मेथड है, इन दो मेथड की हेल्प से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं एमएस एक्सेस में। तो क्रिएट टेबल यूजिंग डेटा सीट व्यू, बुक ले लेंगे हम, पेज नंबर हमारा 284 है। जिसके पास बुक नहीं है उसकी कोई बात ही नहीं है, लेकिन जिसके पास है वो ले सकता है। चैप्टर नंबर 5 है क्रिएट अ टेबल। तो क्रिएट टेबल यूजिंग डेटा सीट व्यू के थ्रू हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। क्या कहा है? इन दिस मेथड एक्सेस डिस्प्ले द न्यू ब्लैंक नेम्ड टेबल 1। इस मेथड के हिसाब से क्या होगा, हमारी टेबल का जो नेम आएगा वो आएगा टेबल 1। ओपन इन डेटा शीट व्यू वी कैन ऐड द फील्ड ऑन दिस टेबल, एंटर द डेटा इन इट। इस मेथड के थ्रू वी कैन ऐड फील्ड, हम फील्ड को ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली और उसमें डेटा की एंट्री कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? स्टेप नंबर 1 दिया है, क्लिक ऑन क्रिएट टैब फ्रॉम द टेबल ग्रुप, क्लिक टेबल ऑप्शन। सबसे पहले हम क्रिएट टैब पर जाएंगे। कौन सी टैब पर जाएंगे भाई? क्रिएट टैब होती है हमारी, जैसे होम टैब होती है, ऐसे यहाँ पर क्रिएट टैब, ठीक है भाई, क्रिएट टैब होगी। क्रिएट टैब पर क्लिक करेंगे, वहां पर आपको टेबल का ऑप्शन नजर आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। कहाँ जाना है? एमएस एक्सेस जैसे खोल लेते हैं, क्रिएट टैब पर जाना है। क्रिएट टैब में आपको टेबल का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देना है। स्टेप 2 दिया है, स्टेप 2 में क्या करना है? द न्यू टेबल ओपन ऑटोमेटिकली इन डेटा सीट व्यू। तो क्या होगा, जैसे आप टेबल पर क्लिक करेंगे तो नई टेबल आपके सामने ऑटोमेटिकली ओपन होके आ जाएगी डेटा सीट व्यू में। नोटिस द न्यू टेबल कंटेंट फील्ड नेम आईडी हैविंग डेटा टाइप ऑटो नंबर। तो आप में उसमें एक चीज ऑटोमेटिकली मिलेगी, आईडी, यानी कि आईडी का जो फील्ड है ये आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा आईडी। उसके बाद आपको इसका जो नंबर होगा वो होगा ऑटो नंबर। सॉरी फॉर दैट, आपको इसमें जो फील्ड मिलेगा वो मिलेगा आईडी। तो आईडी क्या है? ऑटो नंबर में आएगी, यानी कि 1, 2, 3 ऑटोमेटिकली अपना आप ही लेगा, या आपको लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो आईडी ऑटोमेटिकली ही ये फिल करेगा। उसके बाद क्या दिया इसने? विच एक्ट द प्राइमरी की फील्ड ऑफ द टेबल। ये टेबल की क्या है? प्राइमरी की है, प्राइमरी। चैप्टर शुरू होने से पहले जब डेटाबेस हमने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग की, तो इसमें प्राइमरी की आया था,
प्राइमरी की क्या है, एक यूनिक वैल्यू होती है। प्राइमरी की जो होती है हमारी डेटाबेस में, वो एक होती है यूनिक वैल्यू। अब वो यूनिक वैल्यू ऐसी होती है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आप स्टूडेंट का रोल नंबर है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन उनका जो फिक्स नंबर है अल्फाबेटिकली 1, 2, 3, भाई 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, ये निश्चित है। तो ये एक यूनिक वैल्यू है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो आईडी एक प्राइमरी की होती है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, तो ये ऑटोमेटिकली आपको उसमें लगा हुआ मिलेगा। इफ यू वॉन्ट टू रीनेम दिस फील्ड, अगर आप चाहते हैं कि हम इस फील्ड को रीनेम करें, यानी कि आईडी को हटाकर आप कुछ और लिखना चाहते हैं, इसका नाम आईडी की जगह क्या लिखना चाहते हैं, नंबर लिखना अगर आप चाहते हैं, तो आप इसे नंबर लिख सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। आप केवल इसका नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है भाई। क्या कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं, वैल्यू चेंज आप नहीं कर सकते। डबल क्लिक ऑन दिस फील्ड हेडिंग सो द नेम आईडी एंड गिवन द सुटेबल नेम, तो अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं आईडी को, तो उसके हेड पर डबल क्लिक कर देंगे, वो एडिट हो जाएगा, उसे कट करके उसे जो आप नेम लिखना चाहे सुटेबल नेम आप लिख सकते हैं। स्टेप नंबर 3, क्लिक ऑन द नेक्स्ट कॉलम हेडर, क्लिक टू एड ए लिस्ट, डेटा टाइप विल बी अपीयर, चूज ए डेटा टाइप। अब क्या करेंगे, हेडिंग दिया है क्लिक टू एड, हेडिंग क्या दिया रहता है बुक में, जिसके बाद बुक में वो देख सकते हैं क्लिक टू एड। आईडी के बाद जो नेक्स्ट कॉलम होगा हमारा, नेक्स्ट कॉलम से मतलब फील्ड, कॉलम को यहाँ फील्ड कहा जाता है और रोज को कहा जाता है रिकॉर्ड। तो यानी कि जो नेक्स्ट कॉलम होगा उसमें आएगा लिखा होगा क्लिक टू एड, वहां पर आप एड करेंगे तो जो आप लिखना चाहते हैं एक कैटेगरी आ जाएगी कि आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं। स्टेप नंबर 4, द डिफॉल्ट हेडर फील्ड 1 विल अपीयर, सेलेक्ट द मोड, एंटर द नेम फॉर द फील्ड एंड प्रेस द टैब की टू मूव द नेक्स्ट कॉलम। तो उसमें आपको एक मेन्यू खुल के आएगी, टेक्स्ट, नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, सिंबल, मेमो, है ना, इतनी सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी जो आप लेना चाहते हैं उस टेबल, उस फील्ड में आप लिख सकते हैं। क्लिक टू एड वाले में टैब की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो नेक्स्ट फील्ड आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया है इसने, रिपीट द प्रोसेस टू क्रिएट द नेक्स्ट फील्ड, कंटिन्यू टिल द फील्ड आर डिफाइंड। तो ये प्रोसेस आप बार बार रिपीट करते रहेंगे जब तक आपके फील्ड कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। स्टेप 5 दिया है, क्लिक ऑन सेव बटन एंड क्विक एक्सेस टूल बार टू सेव एज डायलॉग बॉक्स। स्टेप 5 में हम सेव एज डायलॉग बॉक्स पे सेव पर क्लिक करेंगे, सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। गिव द सुटेबल नेम ऑफ योर टेबल एंड क्लिक ऑन द ओके बटन। तो ये था मेथड डेटा सीट व्यू से टेबल बनाने का। मैं इसको दोबारा से रिपीट करूँगा क्योंकि कुछ महान स्टूडेंट हमारे ऐसे भी होंगे जिनको ये समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए देख लेते हैं डेफिनेटली किस तरह से हम करते हैं। जब हम डेटा सीट व्यू में टेबल बनाते हैं तो कुछ इस तरह से हमारे सामने वो आता है फील्ड, कुछ इस तरह से टेबल बनी रहती है। तो सबसे पहले यहां लिख रहता है आईडी, क्या लिख रहता है भाई यहां पर आईडी। नेक्स्ट में लिख रहेगा क्लिक टू एड, क्लिक टू एड, ये यहां लिखा रहता है, ये यहाँ लिखा रहता है। मैंने जानबूझ के इसको यहाँ लिखा है आपको समझाने के लिए। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ तो ये एडिट हो जाता है। तो अपने हिसाब से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी फील्ड नहीं, मैंने नेम लिखा है तो यहाँ पर मैं नेम लिख दूंगा, फिर क्लिक टू एड यहाँ पहुंच जाएगा नेक्स्ट फील्ड में। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा रोल नंबर, यहाँ फिर यहाँ रोल नंबर लिखने के बाद फिर क्लिक टू एड यहाँ पहुंच जाएगा इस वाले फील्ड में। तो यहां पर मैं लिख दूंगा क्लिक करके क्लास। अब ये नीचे ऐसे लाइन आ जाएगी तो नेम के आईडी में वन आ जाएगा, नेम में कोई भी नेम आ जाएगा, रोल नंबर उसका कुछ भी हो सकता है और क्लास उसकी हमने ले ली है 9। तो इस तरह से आप
टेबल क्रिएट कर सकते हैं डेटा सीट व्यू में, और ये प्रोसेस आप जब तक करते जाएंगे जब तक आपके फील्ड जहां तक आप चाहते हैं बनाना चाहते हैं जिस फील्ड को वो ना बन जाए, समझ गए ना। तो ये था डेटा सीट व्यू, एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रिएट टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू। अब हम डिजाइन व्यू से कैसे टेबल क्रिएट करेंगे, ये बड़ा ही सिंपल है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। सबसे अच्छा मेथड टेबल बनाने का है डिजाइन व्यू से, सबसे बेस्ट मेथड है। तो करना क्या है, इन दिस मेथड ए टेबल स्ट्रक्चर इज क्रिएट फर्स्ट। इस मेथड में हम सबसे पहले टेबल स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, यू डिफाइन फील्ड नेम एंड देयर डेटा टाइप्स बिफोर एक्चुअली क्रिएट अ टेबल। सबसे पहले क्या करते हैं, फील्ड का नेम देते हैं। मान लीजिए मैंने इस फील्ड का नेम दे दिया, डिजाइन व्यू में क्या करते हैं हम, सबसे पहले फील्ड का नेम देंगे और उसका डेटा टाइप क्या रहने वाला है। जैसे कि हमारे पास नेम है, नेम का डेटा टाइप क्या रहेगा भाई, टेक्स्ट रहेगा, यानी कि केवल इसमें टेक्स्ट में लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारा रोल नंबर है, इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, इसका डेटा टाइप रहेगा हमारा नंबर। क्लास है, इसका टेक्स्ट रहेगा। मान लीजिए आप किसी की फोटो लगाने चाहते हैं, किसी फील्ड में क्या लगाने चाहते हैं, फोटो के नीचे ऑप्शन आ गया नेम के सामने उसकी फोटो भी चाहिए, तो फोटो तो हमारा फील्ड का नेम हो गया, उसका जो डेटा टाइप होगा वो होगा अटैचमेंट। अगर आप ईमेल आईडी देना चाहते हैं किसी की, तो ईमेल आईडी का डेटा टाइप हो जाएगा हाइपरलिंक। तो इस मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, फील्ड बनाते हैं, यानी कि टेबल का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उसके बाद उसका डेटा टाइप क्या रहेगा वो करते हैं। एक्सक्यूज मी, अभी आते हैं। तो बात कर रहे थे हम डिजाइन व्यू की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे कुछ स्टेप्स दिए हैं, उनको फॉलो करते हैं हम डिजाइन व्यू में टेबल क्रिएट कर सकते हैं। पहला दिया है स्टेप वन, क्लिक ऑन द क्रिएट टैब। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, जैसे हम डेटा सीट व्यू में गए थे ऐसे इसमें हम क्रिएट टैब में जाएंगे। फ्रॉम द टेबल ग्रुप क्लिक ऑन द टेबल डिजाइन, तो क्लिक करेंगे वहाँ हम, पहले तो हमने टेबल ऑप्शन पर क्लिक किया था, लेकिन यहाँ पर करेंगे हम टेबल डिजाइन पर क्लिक। कहाँ क्लिक करना है, डिजाइन व्यू में जाके टेबल डिजाइन, टेबल डिजाइन पर क्लिक करना है। ए ब्लैंक टेबल स्ट्रक्चर विल ओपन इन द डिजाइन व्यू, एक ब्लैंक टेबल स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा। फिर क्या करना है, द डिजाइन व्यू इज डिवाइड इन द टू सेक्शन, डिजाइन व्यू हमारा दो सेक्शन में डिवाइड होगा, पहला फील्ड ग्रिड एरिया एंड फील्ड प्रॉपर्टीज एरिया। फील्ड ग्रिड एरिया यूज टू स्पेसिफाई द फील्ड नेम एंड डेटा टाइप, फील्ड प्रॉपर्टीज एरिया यूज द स्पेसिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ द ईच फील्ड। तो वहां पर आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तरफ तो आप फील्ड लिखेंगे जैसे कि इस तरह से आएगा, दिखा देते हैं जस्ट कुछ इस तरह से आएगा डिजाइन व्यू में। मान लीजिए यहां पर कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ नेम है तो नेम के सामने आ जाएगा टेक्स्ट, यहाँ ईमेल है ईमेल के सामने आएगा हाइपरलिंक, ईमेल के सामने क्या आ जाएगा हाइपरलिंक। तो ये तो हो गया फील्ड, और
और ये हो गया डेटा टाइप। ठीक है भाई, ये फील्ड होगा, ये इसका डेटा टाइप होगा, और जब आप इसे डेटा सीट व्यू में ले जाएंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो पहले हम डिजाइन व्यू में स्ट्रक्चर्स तैयार करते हैं, उसके बाद डेटा फिल कर देते हैं। आगे क्या दिया है, स्टेप नंबर टू, क्लिक द फील्ड नेम कॉलम एंड एंटर देयर फील्ड नेम। फिर हम फील्ड नेम टाइप कर देंगे कि नेम, रोल नंबर, क्लास, आई, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सारी चीज़ें हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद उनके सामने मैंने आपको बताया भाई, क्लास नंबर में जाएगी, नेम टेक्स्ट में जाएगा, अगर आप ईमेल आईडी दे रहे हैं तो ईमेल आईडी का जो डेटा टाइप होगा वो हाइपर लिंक होगा। पेज नंबर 280 पे कुछ दिया भी है, 280 पे आप देख सकते हैं। तो ये डेटा टाइप आपको ऑलरेडी वहीं मिलेगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल फील्ड का नाम लिखना है। क्या लिखना है आपको, केवल फील्ड का नाम लिखना है और कुछ नहीं करना है। फील्ड नाम, फील्ड का नेम लिखेंगे और डेटा टाइप आपको वहीं पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिलेगा, आपको सेलेक्ट करना है बस डेटा टाइप, ऑटोमेटिकली आपको वो डेटा टाइप वहीं पर ही मिल जाएगा। स्टेप थ्री क्या दिया है, क्लिक द डेटा टाइप कॉलम एंड चूज द सुटेबल डेटा टाइप फॉर द फील्ड, रिपोर्ट अबाउट द प्रोसेस एट द रेस्ट टेबल फील्ड्स। तो इस प्रोसेस को आप जब तक करते रहें जब तक आपके फील्ड का नेम कंप्लीट ना हो जाए। वन, फिनिश द प्रोसेस, डिफाइन द टेबल, सेव योर टेबल, गिव द सुटेबल नेम। जब आपकी ये प्रोसेसिंग पूरी हो जाए, यानी कि फील्ड पूरे हो जाए आपके ये वाले इस तरह से इस कैटेगरी में, तब आप उसे सेव कर देंगे। ठीक है, और फिर आपका ये डिज़ाइन व्यू तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग दिया है हमारे पास, असाइनिंग प्राइमरी की। प्राइमरी की को कैसे असाइन करते हैं, कैसे लगाते हैं, टू असाइन ए प्राइमरी, किसी भी फील्ड पर अगर हमें प्राइमरी की लगानी हो तो उसको कैसे असाइन करते हैं, कैसे लगाते हैं, क्योंकि प्राइमरी की एक यूनिक वैल्यू है, फिर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो सेलेक्ट द फील्ड नेम इन द डिज़ाइन व्यू दैट यू वांट टू प्राइमरी फील्ड। हम डिजाइन व्यू में चले जाएंगे और फील्ड को सिलेक्ट कर लेंगे जिस पे आप प्राइमरी की लगाना चाहते हैं। स्टेप टू दिया है, क्लिक ऑन द प्राइमरी की ऑप्शन, टूल ग्रुप ऑन द डिजाइन टैब। डिजाइन टैब में जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे भाई, डिजाइन व्यू में जाने के बाद डिजाइन टैब में जाएंगे, फिर वहाँ पर आपको प्राइमरी की का ऑप्शन मिलेगा। ए की इंडिकेटर गेट एट द लेफ्ट और फील्ड नेम विद द फील्ड ग्रिड एरिया, क्लिक द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, सेव चेंज। फिर क्या करेंगे, लगाने के बाद प्राइमरी की में एंटर कर देंगे, प्राइमरी की उस फील्ड में हमारी लग जाएगी, जैसे कि हमारी प्राइमरी की ऑटोमेटिकली आईडी में लगी हुई आती है भाई। आईडी में क्या है, प्राइमरी की हमारी लगी हुई आएगी, 1 2 3 4 5 इस तरह से लगी हुई प्राइमरी की आती है। अगर आप रोल नंबर में लगाना चाहते हैं तो रोल नंबर में भी लग जाएगी, यानी कि सबके रोल नंबर एक ही हो जाएगी, वैसे रोल नंबर पर ये सुटेबल नहीं बैठता है। नेक्स्ट क्या दिया है, एंट्रिंग डेटा इन ए टेबल। अगर आपको टेबल में डेटा एंटर करना है तो कैसे करते हैं, सीधी सी बात है, फील्ड में क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से टाइप करना शुरू कर देंगे। फिर भी देख लेते हैं इनके हिसाब से क्या कह रहे हैं ये। वंस द टेबल स्ट्रक्चर डिफाइन, वी कैन स्टोर डेटा इन, यू कैन एंटर द डेटा इन द डेटा व्यू, डेटा सीट व्यू। तो डेटा अगर हमें एंटर करना है तो डेटा हमारा डेटा सीट व्यू में ही एंटर होगा। डिजाइन व्यू में आपकी स्ट्रक्चर बनती है टेबल की, अगर आपको डेटा एंटर करना है तो डेटा एंटर आपका डेटा सीट व्यू में ही होगा। क्या है स्टेप वन, क्लिक ऑन द व्यू ऑप्शन फ्रॉम द व्यू ग्रुप ऑफ द होम टैब एंड सेलेक्ट द डेटा सीट व्यू। और ये तो आप व्यू ऑप्शन में जाइए और वहाँ पर डेटा सीट को सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप क्या करेंगे, डबल क्लिक टेबल नेम एंड द नेविगेशन पैन। टेबल नेम में जो है डबल क्लिक कर देंगे, नेविगेशन पैन आ जाएगा, वहाँ पर भी आपको कुछ इस तरह से टेबल मिल जाएगी, डेटा सीट व्यू, प्रॉपर्टीज व्यू, प्रैक्टिकल पाई चार्ट व्यू और डिजाइन व्यू। तो डिजाइन व्यू आपको करना है, डेटा सीट व्यू, डेटा सीट व्यू करते ही आपकी टेबल कुछ इस तरह से नजर आएगी, सेम ऐसे, और उसके नीचे जो जो फील्ड है, नेम के नीचे नेम भरिए, रोल नंबर के नीचे रोल नंबर भरिए, क्लास के नीचे क्लास बढ़ते चले जाइए, अलग अलग बच्चों के आपके बढ़ते चले जाएंगे। तो ये था मेथड आपका टेबल क्रिएट करने का। उम्मीद है सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे टेबल कैसे क्रिएट होती है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर में तो मुझे फाइनली पूछ सकता है फ़ोन करके भी, ऐसे भी समथिंग। बाकी इसमें हमने आपको बताया कि दो मेथड है आपके टेबल क्रिएट करने के, दो तरीके से आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। पहला है डेटा सीट व्यू, दूसरा है डिजाइन व्यू।
डेटा शीट व्यू में आप डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे मैंने समझाया। डिजाइन व्यू में आपको पहले टेबल की स्ट्रक्चर तैयार करनी पड़ेगी, डेटा टाइप देना पड़ेगा, तब जाके आप फिर डेटा शीट व्यू में जाएंगे, फिर उसमें आप एंटर करेंगे। तो इस तरह से आप अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।